वेलकम टू द टॉक टॉक शो। कैसे हैं भाई आप लोग? सेट हैं, मजे में हैं, खुश हैं? आप थोड़े से परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? नाश्ता नहीं करके आया आज? हैं, कोई बात नहीं, आज हम आपको बिरयानी खिलाएंगे। ख्वातीनों हज़रात, हमारी जो आज की गेस्ट हैं, मज़े की बात यह कि उनको एक्टर बनना ही नहीं था और उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था एक्टिंग की तरफ, लेकिन एक बार जब वो एक्टर बनी तो फिर एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट और फिर तीसरा प्रोजेक्ट वो अच्छे से अच्छा काम करती गई। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उनके आ गए इंस्टाग्राम के ऊपर और आजकल हर डायरेक्टर ये चाहता है कि उनको अपने ड्रामे में कास्ट करे। आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, बहुत ही मेहनती, बहुत ही टैलेंटेड एंड वेरी प्रिटी लैबा खान। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, जबरदस्त। पहले आपने कहा था बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन, बहुत प्यारा। बस मेरे में बात ही है कि मैं मिलावट नहीं करता, मैं प्यारे लोगों का प्यारा इंट्रोडक्शन। थैंक यू भाई, ये तालियां खुद ही बजा देनी चाहिए आपको। तालियां आप लोग बजाएंगे तो वो इम्प्रेस होंगी ना, ऐसे कैसे पता चलेगा। लाइबा मुझे एक बात बताएं, आपका ये जो एक्टिंग का सफर है ये शुरू हुआ बड़े ही मुख्तसर दो बोलों से? हाँ। और पिछले 5 सालों में यूव डन क्लोज टू आई थिंक 7 प्रोजेक्ट, 7-8 ड्रामे आपने कर लिए हैं? बिल्कुल ऐसा ही। तो यार एक लड़की जिसको एक्टर बनने का शौक ही नहीं था, वो फील्ड में आती है और इतना अच्छा काम करती है कि 5 सालों में 7 ड्रामे भी कर लिए, जैसे मैं कह रहा था मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी आ गए, ये कैसे हो जाता है यार? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शौक नहीं था एक्टिंग का, ठीक है, मुझे कुछ और काम करना था, मैं कुछ और पढ़ना चाहती थी, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, आर्मी में जाना चाहती थी, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी मैं बेसिकली। तो जो है फिर वो एडमिशन जहाँ मैं चाह रही थी वहाँ हुआ नहीं, वहाँ करवाया नहीं गया घर वालों की तरफ से, तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है फिर कुछ और फील्ड ज्वाइन करते हैं। खैर एक्टर तो फिर भी नहीं बनना था, तो बहन के साथ, छोटी बहन है मेरी, वो पहले मुझसे एक्टर बनी थी। ईमान के लिए तालियां, मैंने उनका काम देखा, वो भी बहुत अच्छा काम पिंजरा में, मैंने उनका काम मैंने देखा, मैंने इट्स वेरी गुड। तो वो उसने अपना ड्रामा स्टार्ट किया तो अम्मी उसके साथ शूट्स पर जाती थी, एक दफ़ा अम्मी के बजाय मैं चली गई क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो वहाँ पे एक प्रोडक्शन हाउस की कास्टिंग हेड थी, रिजवाना ऑफ नेक्स्ट लेवल। जी बिल्कुल, अरे तालियां रिजवाना के लिए भाई, उनके लिए तालियां। तो रिजवाना ने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं एक्टिंग करती ना, तुम भी करो। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे कोई शौक ही नहीं, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं बात कर सकूं किसी से, तो एक्टिंग तो फिर आपको पता है कितना। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा फोर्स किया कि तुम करो करो। खैर मैं घर आई, मैंने बाबा अलिफ में एक सीन उन्होंने दिया था, अलिफ उन्होंने मुझे ऑफर किया कि अलिफ में कुबरा की बहन का एक कैरेक्टर है छोटा सा, बेसिकली उसमें थे कुछ ज़्यादा सीन्स, लेकिन वो जब ड्रामा ऑनर हुआ तो वो फिर सीन्स कम आए। खैर मैंने कहा चलें ठीक है, बड़ी मुश्किल से घर वालों को मनाया, अम्मी तो मान गई थी लेकिन बाबा और बाकी सब घर वाले नहीं मान रहे थे। खैर फिर घर वालों को मनाया, अलिफ ऑफर हो गया, अलिफ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के एक साल बाद अलिफ की शूट स्टार्ट हुई, तो अलिफ ऑफर करने के बाद उन्होंने कहा एक और कैरेक्टर है अफ़ान वहीद की बहन का। तो मुझे तो अफ़ान भाई अच्छे लगते थे एज एन एक्टर, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो वो ड्रामा पहले शूट हो गया, पहले ऑनर हो गया, उसके ऑनर होने के बाद अलिफ स्टार्ट हुआ शूट होना। तो फिर बेसिकली फर्स्ट जो था ऑफर मुझे अलिफ हुआ था, लेकिन आया लेकिन जो सवाल मेरे जहन में जी सवाल वो यही था कि मुझे कुछ ऐसा शौक नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा लक भी था कि शायद मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था ये चीज़ कि मुझे एक्टर ही बनना है, क्योंकि शौक तो नहीं था ना कोई ख्याल। बट एक्टिंग ऑल्सो इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, राइट? मतलब एक्टिंग करना लगता है कि बड़ा आसान है, बट कैमरे के सामने खड़े होकर वो एक्सप्रेशन देना, स्पेशली जब आपके अगर आपने शुरू किया हो तो अफ़ान आपके को स्टार हैं या हीरा मानी के साथ आपका सारे पहला, बड़े सीनियर एक्टर्स, अलिफ में कुबरा के साथ अगर आपका है और फिर आपने जैसे जैसे काम किया, कैसी तेरी खुदगर्जी में भाई, कैसी तेरी खुदगर्जी में लाइबा का काम, आपने दानिश के साथ काम किया, दुर्रे के साथ किया। तो ये सवाल मेरा, गोइंग बैक टू माई क्वेश्चन, कि एज अ यंग गर्ल एक्टिंग की एबिलिटी या स्किल वो आपने अपने अंदर कैसे आइडेंटिफाई की? अच्छा, जब मैं शूट्स पे जाया करती थी ना तो मुझे ये लगता था कि जब परफॉर्मेंस, क्योंकि पहले डायरेक्टर वजाहत हुसैन, माशाल्लाह आपको पता है वो कितने सीनियर डायरेक्टर हैं, तो मैं जब उनके साथ बैठ के मैंने कहा कि एक्टर तो बनना नहीं है, स्कूल पढ़ रही थी, मैट्रिक में थी, एग्जाम्स दे के आई, तो उन्होंने मुझे कहा अगर काम कर रही हो तो फिर दिल से करो वरना ना करो। तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं काम कर ही रही हूँ, एक चीज़ को मैंने ज्वाइन कर लिया तो मैं दिल से करती हूँ। फिर मैंने कोशिश की
काफ़ी ज़्यादा घर में प्रैक्टिस की, शीशे के सामने खड़े होके जो स्क्रिप्ट्स ईमान को मिलती थी उन स्क्रिप्ट्स पे एक्टिंग करना, छोटी बहन का कैरेक्टर, हीरोइन का कैरेक्टर, वो मैं घर पे ही ना प्रैक्टिस करती थी। तो मुझे हुआ कि फील यार अगर करना चाहे इंसान तो कर सकता है। अच्छा, एक्टिंग इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता था कहीं ना कहीं मेरे अंदर छुपा हुआ था वो एक्टर। नेचुरल एबिलिटी होती है, कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, और आप और आपकी बहन ईमान दोनों, मुझे लगता है कि आप दोनों गॉड गिफ्टेड हैं, कि आपके अंदर वो स्किल है, वो टैलेंट है, जो ऑफ कोर्स फिर आप वक्त के साथ साथ उसको निखार सकते हैं, आप सीख सकते हैं, और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ जब आप काम करें तो वो भी आपको वैल्यू एडिशन आपके काम में लेके आ सकते हैं। मुझे बताएं इन 5 सालों में कितना मुश्किल था आपके लिए ये काम ढूंढना या आपको काम मिलना? आसानी से हो गया सब कुछ, आप लकी हैं उस मामले में, या स्ट्रगल करनी पड़ी आपको? अच्छा, थैंक गॉड, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे उस तरह से स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी जिस तरह मैं लोगों को अब देखती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों को, कि यू नो काफ़ी साल से वो एक ही उसमें कैरेक्टर कर रहे हैं बेचारे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा लक भी था और मेहनत तो की, ऑब्वियसली मेहनत के बगैर तो कोई भी आगे नहीं जा सकता। लक भी था मेरा और मेहनत भी मैंने की, कि मतलब मुझे ये है कि मुझे ज़्यादा वो वाली मेहनत नहीं करनी पड़ी कि मुझे हर एक से काम मांगना पड़ा, हर एक को कॉल करनी पड़ी, मैसेज करने पड़े, ऑडिशन ज़्यादा से ज़्यादा देने पड़े। ऑडिशन मैंने दिए हैं बहुत से प्रोजेक्ट्स के, मतलब अभी भी अगर मुझे कोई बड़ा लीड ऑफर करते हैं तो मेरा ऑडिशन होता है पहले, तो ऑडिशन्स की तो अभी भी वो चीज़ है, लेकिन ये कि मेरा लक भी था मुझे ऐसा लगता। आपने फेलियर फेस किया अभी तक इतने छोटे से करियर में? किया। किस तरह का फेलियर फेस किया आपने? फेलियर मैंने इस तरह का कि मुझे कुछ 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ जो कि ARY का बड़ा प्रोजेक्ट था। नाम लें आप। लीड प्रोजेक्ट था मेरे लिए वो बड़ा था, बिकॉज वो डायरेक्टर सैयद अली रजा उसामा थे और वो जाहिद अहमद थे उसमें, और एक और एक्टर थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मगर वो एक अच्छा लीड प्रोजेक्ट था, बिल्कुल लीड। तो फिर जब मेरा ऑडिशन हुआ तो उसमें उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया कि अभी शायद तुम्हारा स्क्रीन पे वो हीरोइनों वाला फेस नहीं है, तुम बहुत छोटी भी लगती हो। भाई एक सेकंड यार, ये हीरोइन वाला फेस अगर ये नहीं है तो और कैमरा है, जूम करके दिखाओ भाई, आपको लग रहा है ये हीरोइन वाला फेस है? तालियां तो बज रही है हीरोइन वाला फेस। अब वो उनको नहीं लगा ना, मुझे नहीं पता। चेंज तो नहीं कराया आपने फेस पिछले 2-3 साल? मैंने कभी कुछ भी नहीं कराया और मुझे बड़ा डर लगता है, मैं कभी ये काम नहीं कराने वाली। तो कैसे बन गया हीरोइन वाला फेस? मुझे तो लगता है ग्रूमिंग की भी आपके अंदर थोड़ी बातचीत होती है कि अगर आप अपने आप को ग्रूम करें ना, मैं पहले बहुत मोटी थी मुझे ऐसा लगता है, तो आप अभी आपको पता है इंडस्ट्री में पतली पतली हीरोइनें चाहिए सबको, वो चीज़ बहुत ज्यादा है। रंग की वजह से तो नहीं था कोई ये भी नहीं? अच्छा, मुझे ये चीज़ नहीं कभी बोली।